हेलो दोस्तों, हेल्प टेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ठीक, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आप कमेंट जरूर जरूर करें, जिससे आने वाले से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप कमेंट जरूर जरूर करें, ठीक। हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्प टेकर। हेल्प टेकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, होमगार्ड संबंधी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है आज। आज कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो है, क्या होमगार्डों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन मिलना चाहिए, ये देखना है कि क्या होमगार्डों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन मिलना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। न्यूज क्या है, ड्यूटी लगाने के लिए होमगार्डों को देनी पड़ती है रिश्वत, ये सच्चाई है, ठीक। तो इस सच्चाई को हम उजागर करेंगे और ये लखनऊ जो मेन कार्यालय ऑफिस है वहाँ तक जाएगा। तो आप लोग पहले न्यूज को देख लिए क्या है। लखनऊ पुलिस कर्मियों की तरह हर दम ड्यूटी पर उनका साथ देने वाले होमगार्डों को उनके समान वेतन क्यों नहीं। सर्दी हो या बरसात या फिर तेज धूप चौराहों पर कड़ी मेहनत करके ड्यूटी करने वाले होमगार्डों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, यह कहना है राजधानी में तैनात होमगार्डों का। नाम न छापने के शर्त पर कई होमगार्डों ने बताया कि ड्यूटी लगाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। वहीं SSP ट्रैफिक हबीबुल हसन का इस संबंध में कहना है कि ये आरोप गलत है। अगर किसी को समस्या आ रही है तो हमसे आकर मिले और परेशानी बताए, उसकी समस्या का हल किया जाएगा। तो दोस्तों, हम बता दें कि ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। और आप लोगों को करना क्या है, जितने भी होमगार्ड्स भाई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर जरूर लिखे, क्या होमगार्डों का वेतन पुलिस कर्मियों के समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखे और चैनल पर नए हैं चैनल पर आकर के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे, ठीक, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन ऐसे जो कुछ भी न्यूज़ है हम देते रहें। और एक लाइक और एक कमेंट जरूर जरूर करें, ठीक। होमगार्डों की समस्या को लेकर आगे देखते हैं, परेशानी बताए जाने की समस्या को हल किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, होमगार्डों की समस्या को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में सरकार से पूछा है कि होमगार्डों को सिविल पुलिस के समान बराबर वेतन क्यों देने में क्यों परेशानी है। होमगार्डों के जवानों के लिए सर्विस रूल क्यों नहीं बनाया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले में 11 जनवरी से पहले जवाब मांगा है। इस याचिका पर कोर्ट 11 जनवरी से फिर सुनवाई करेगी। अनिल कुमार व अन्य लोगों और दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जस्टिस पी अस्थिन अस्थालेकर ने दिया था। याचिका में यह कहा गया था कि होमगार्ड सिविल पुलिस के समान कार्य करते हैं, लेकिन उनका एक दिन का वेतन केवल, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है, 500 रुपये मिलते हैं, ठीक, 500 रुपये मिलते हैं, 500 रुपये मिलते हैं। बल्कि होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी नियमित नहीं होती, उन्हें साल में करीब 6 या 7 माह की ड्यूटी मिलती है और प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों में होमगार्ड को ड्यूटी अलाउंस और न्यूनतम वेतन तय कर दिया है, लेकिन प्रदेश में होमगार्डों को न्यूनतम वेतन से वंचित किया गया है। होमगार्ड को भी यह समस्या है कि उनकी समस्या को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इंडियन युवा क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद पांडे ने कहा है, होमगार्डों की समस्या को बेहद गंभीर है। यूपी में होमगार्ड सिपाहियों से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनका हक हमेशा मारा जाता है। उन्होंने कहा, बेचारे होमगार्ड ड्यूटी लगवाने के लिए फिर पे देते हैं और अक्सर वसूली का आरोप भी होमगार्डों पर लगता है, इसलिए होमगार्डों को पुलिस के समान वेतन दिया जाना चाहिए, या उनका हक है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने कहा, मेहनत होमगार्ड भी सिपाहियों की तरह करते हैं, इसलिए प्रदेश सरकार को होमगार्डों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें भी सिपाहियों के समान वेतन दिया जाना चाहिए, उनका यह हक है। IG अमिताभ ठाकुर ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला सही है, जब होमगार्ड के सिपाहियों के समान कार्य करते हैं तो उन्हें भी उतना ही वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस कर्मियों के साथ होमगार्ड कंधे से कंधा मिलाकर चले आ रहे हैं या समान वेतन के अधिकार रखते हैं। तो आपसे हम बता दें, जितने भी हमारे होमगार्ड्स भाई हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें कि क्या होमगार्ड को पुलिस कर्मियों के कॉन्स्टेबल के बराबर समान वेतन मिलना चाहिए कि नहीं। अगर मिलना चाहिए तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में और इस पर आवाज़ उठाया जाएगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी ग्रुप, कहीं भी कुछ भी हो तो उसमें आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक। तो चैनल पे कृपया बने रहें और एक लाइक जरूर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।